हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में और इसके हल करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन दिया है लॉग एक्स अपान एक्स डी एक्स, लिमिट दी है ए टू बी। तो हमें दो लिमिट दी हुई हैं, इसके अंतर्गत हमें इसका समाकलन करना है। इसका हम डायरेक्ट तो समाकलन कर नहीं सकते, तो हम क्या कुछ मानेंगे। जैसे लॉग एक्स है, इसको हम मान लेंगे लॉग एक्स इक्वल टू टी मान लिया। अब लॉग एक्स का जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, लेस हो जाएगा वन अपान एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब इसकी वैल्यू उठा के इसमें हम रख देंगे, क्या हो जाएगा लिमिट ए टू बी लॉग एक्स इक्वल टू हमने टी माना है, तो यहाँ टी हो जाएगा वन अपान एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, टी डी टी है, तो ये आ जाएगा टी डी टी इक्वल टू। अब टी है, टी का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर अपान टू लिमिट, इसको हम बड़े कोष्ठक के अंदर लिख देंगे और लिमिट इसके हम दाएं ओर लिख देंगे ए टू बी इक्वल टू, लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है बी, तो ये हो जाएगा, पहले इसका हम वैल्यू रख देते हैं। टी का मान हमने यहाँ माना है लॉग एक्स बराबर टी, तो टी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर बटे में दो, ठीक है, और ये लिमिट ए टू बी। अब इसकी लिमिट रख देते हैं, लिमिट ए टू बी है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा बी, तो ये हो जाएगा लॉग बी इसका होल स्क्वायर बाई टू माइनस लॉग ए बाई टू इसका होल स्क्वायर ब्रेकेट क्लोज। अब देखिए दोनों में से वन अपान टू क्या है, कॉमन मिल जाएगा, तो वन अपान टू को हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा लॉग स्क्वायर बी माइनस लॉग स्क्वायर ए, ठीक है। अब चाहो तो इसको गुणा कर दो या ऐसे ही रहने दो, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं लिमिट वन टू रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें हम मान लेंगे टेन इनवर्स इक्वल टू हमने मान लिया टी, ठीक है। तो हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, ये होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे, तो क्या आएगा लिमिट वन टू रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स का स्थान पर क्या आ जाएगा टी, और वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है अब डी टी, तो ये आ जाएगा डी टी। अब टी का जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट है वन टू रूट थ्री, ठीक है। अब टी बराबर टेन इनवर्स एक्स है तो वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई टू लिमिट वन टू रूट थ्री। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कितना आया था यहाँ पर, यह आया था टेन इनवर्स का होल स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स पूरे का होल स्क्वायर बाई टू, लिमिट थी वन टू रूट थ्री, यही तो था।
अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, इसकी हम लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट रख दो इसकी, क्या होगा टेन इनवर्स रूट थ्री इसका होल स्क्वायर बाई टू। क्या कर रहे हैं हम इसकी लिमिट रख रहे हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का, एक्स का स्थान पर क्या आ जाएगा वन होल स्क्वायर बटे टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब हम जानते हैं रूट कि रूट थ्री कितने का मान होता है, टेन टेन सिक्सटी, यानी हम इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाई थ्री, टेन पाई बाई थ्री का मान रूट थ्री होता है, तो हमने रूट थ्री का स्थान पर टेन पाई बाई थ्री रख दिया, इसका होल स्क्वायर बटे टू कर दिया। इसी तरह यहाँ भी टेन पैंतालीस का मान होता है, टेन पैंतालीस को हम क्या रख सकते हैं टेन पाई बाई फोर बाई टू इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन इनवर्स से यहाँ भी ऐसे कैंसिल आया हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा पाई बाई थ्री का होल स्क्वायर, और यहाँ से वन बाई टू दोनों से बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये ब्रेकर के बाहर वन बाई टू हम ले लेते हैं माइनस सॉरी, ठीक है। यहाँ से क्या किया टेन टेन कट गया, टेन से टेन इनवर्स कट गया, यहाँ भी टेन से टेन इनवर्स कट गया, और वन बाई टू को बाहर ले लिए, तो यहाँ से बचा पाई बाई थ्री का होल स्क्वायर, यहाँ से बचेगा पाई बाई फोर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू वन बाई टू पाई पाई स्क्वायर तीन तरीका नौ माइनस पाई स्क्वायर चार चौक सोलह इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा 144 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर 1 बाई 2 बाई कट के बाहर, 16 में से 9 निकल गए तो बचे 7 पाई स्क्वायर बटे 144 और 1 बटे 2, दो से बड़ा कर देंगे तो ये आ जाएगा दो चौको आठ, दो चौको आठ कम दो यहाँ सेवन पाई स्क्वायर, ये हमारा आ गया आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें, और आपको अगर इस वीडियो में ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।